डॉक्टर साधुलीकांत साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महादल जीतवन कार्यरत हूँ। आप हम बहुलवाद का अध्ययन करेंगे आज। बहुलवाद यानी जो संप्रभुता का अगला भाग, जिसमें संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हो एक राज्य की, यानी 20वीं शताब्दी में बहुलवादी विचारधारा का उदय हुआ जो राज्य की सर्वोच्च और अद्वैतवादी सिद्धांत का खंडन करते हैं। राजनीति के बहुलवादी विचारक राज्य को केवल एक समुदाय के रूप में ही स्वीकार करते हैं। वे प्रभुसत्ता को एकमात्र राज्य का ही विशेषाधिकार नहीं मानते, वरन उससे विभिन्न समुदायों में विभाजित कर देना चाहते हैं। बहुलवाद का अर्थ के रूप में हम करेंगे तो समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाएं हैं। इनमें से कई संस्थाएं राज्य से पूर्व बनी, जैसे कुटुंब या चर्च। बहुलवादियों का मत है कि राज्य कोई सर्वोच्च संस्था नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं की भांति एक संस्था। राज्य को यह विशेष अधिकार प्राप्त होना नहीं है कि प्रभुसत्ता या राजसत्ता को केवल अपने पास ही निजी संपत्ति की भांति रख सके। जब राज्य से मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती तो उसको क्या अधिकार है कि वह व्यक्ति से अपने लिए अविभाजित भक्ति की मांग करे। बहुलवादियों का मत है कि प्रभुसत्ता बढ़ सकती है, यह राज्य तथा अन्य कई अन्य संस्थाओं में बढ़ती रहती है। राज्य के पास पूर्ण प्रभुसत्ता ना रहकर थोड़ी सी प्रभुसत्ता रहती है। राज्य ने संस्थाओं को नहीं बनाया, अतः राज्य को यह अधिकार नहीं कि वह उनको तोड़ सके। बहुलवादी संप्रभुता उनको सीमित और मर्यादित और अविभाज्य सिद्धांत के विरुद्ध एक विद्रोह है। यह एस्टन के एकत्ववाद और हेगल के आदर्शवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। बहुलवाद के मुख्य समर्थकों में बहुलवाद के मुख्य समर्थक डी फिग्स गिर के डर्खिम, बार्कर, मैकाइवर, जी डी एच कॉल, लिंडसे कैब, मैटलैंड, ड्यूगी, लॉस के आदि हैं। गिरके ने लिखा है कि राज्य को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि प्रत्येक समूह एवं संगठन का अपना अपना कर्तव्य होता है, चाहे वह राज्य उसका मान्यता दे या ना दे। लास्ट ने लिखा है कि समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भांति का उत्तराधिकारी नहीं है। लास्ट ने आगे लिखा है कि ये समुदाय राज्य से किसी प्रकार का प्रभु संपन्न नहीं है, और इस प्रकार से जब समाज का संगठन संघीय है तो सत्ता की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए। बहुलवाद का विकास, यानी बहुलवाद का जन्मदाता गियर के और मैटलैंड हैं। 16वीं सदी के अंतिम चरण में इन्होंने बताया कि समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय मानव स्वभाव की देन है, वे काल्पनिक और तथा कृत्रिम नहीं है। उनका अपना व्यक्तित्व, इच्छा और चेतना होती है। वे राज्य में स्वतंत्र होते हैं, कभी कभी अच्छा भी है। बहुलवादी 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ और तथापि इसकी पृष्ठभूमि मध्यकाल में तलाश की जा सकती है। मध्य युग में यूरोप में राज्य का संगठन निर्बल था और समाज में चर्च और व्यावसायिक संघ श्रेणियों का विशेष महत्व था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता की लहर फैली और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत शक्तिशाली बन गए। इनके शासकों के पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया और इसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई और जन आंदोलन हुए और लोकतंत्र का उदय हुआ। यानी बहुलवाद के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुलवाद के विकास के चरण में हम देखते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई। आधुनिक युग में राज्य के कार्यक्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शासन एक जटिल समस्या हो गई और राज्य के उत्तरदायित्व तो बढ़ गए। राज्य कार्य में सिर्फ शासन करना ना रहकर बल्कि उनसे समाज सेवा का रूप ले लिया। अतः यह आवश्यक हो गया कि राज्य शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, अन्य संस्थाओं के मध्य राज्य के कार्यों को विभाजित कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, यानी गत 100 वर्षों में लगभग विज्ञान ने संसार का कायापलट कर दी है। आज विश्व का कोई भी देश एक दूसरे से असंबंध नहीं रह गया। एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। आज राज्य एक सर्वसत्ता संपन्न समुदाय नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार एक सदस्य मात्र रह गया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास के बहुलवाद के विकास में एक प्रमुख सहायक तत्व रहा है। मध्यकालीन संघवाद का विकास, मध्यकालीन संघवाद के विकास ने भी बहुलवाद के विकास में काफ़ी सहायता पहुंचाई है। मध्य युग में व्यक्ति व्यवसायों के आधार पर श्रेणी, समाज और अन्य प्रकार के संघवादी विचारों का जन्म हुआ। गिरके मैटलैंड ने इन समुदायों को पुनर्जागरण का समर्थन किया। राज्य की निर्घुषता और सर्वपरिता का विरोध, बहुलवादी तथा ऑस्टिनवादी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ऑस्टिन ने राज्य के कानून निर्घुषता प्रदान की और हिगल ने इसे पृथ्वी पर ईश्वर तथा सर्वप्रियता के विरोध में से बहुलवाद का जन्म हुआ। प्रजातंत्र की त्रुटियां, यानी कि
प्रजातंत्रवाद की त्रुटियों के चलते भी बहुलवाद ने जोर पकड़ा है। प्रजातांत्रिक संगठन का आधार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसमें विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अतः बहुलवादियों ने नारा बुलंद किया कि आर्थिक, व्यावसायिक और धार्मिक समूह को भी सत्ता प्रदान की जाए, इन्हें ही प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। व्यक्तिवाद का उदय, यानी व्यक्तिवाद ने असीमित संप्रभुता पर प्रहार कर बहुलवाद के आगमन के लिए रास्ता तैयार किया। लॉक, मॉन्टेस्क्यू, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि विचारकों ने राज्य शक्ति को सीमित करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। आधुनिक युग की नवीन विचारधाराएं, आधुनिक युग में कुछ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिन्होंने राज्य को लाभदायक और निरर्थक बताते हुए उसकी असीमित सत्ता का खंडन किया। इन विचारधाराओं का अराजकता, राजतावाद, साम्यवाद और श्रेणी समाजवाद आदि प्रमुख हैं। बहुलवाद के मौलिक सिद्धांत में हम देख सकते हैं कि विभिन्न, जैसे कि बहुलवाद के मौलिक सिद्धांत की जानकारी के लिए हमें ये जानना होगा कि एकत्ववाद पर बहुलवादियों ने किन दृष्टिकोण के कारण प्रार किए। ये मुख्यतः तीन थे, विभिन्न संघों के दृष्टिकोण से, यानी बहुलवाद का बीज मध्ययुग के संघ या श्रेणी प्रणाली में पाया जाता है। उन दिनों विभिन्न व्यवसायों के लोगों ने कुछ व्यवसायिक संघ बना लिए जो निगम का रूप धारण कर लिए थे। राजतंत्र के उदय के बाद इनका ह्रास हो गया। इन संघों के आधार पर इंग्लैंड में मैटलैंड और जर्मनी में गियर के ने बहुलवादी विचार प्रकट किया। इनका विचार था कि समाज में जितने संघ हैं उनका एक स्वतंत्र तथा व्यक्तित्व है। व्यक्ति के समान राज्य से स्वतंत्र उनकी निजी इच्छा, निजी चेतना, निजी अधिकार है। अतः है स्वतंत्रता, संप्रभु राज्य इन संघों के बीच विभाजित होने चाहिए। ये लेखक केवल इतना मानते हैं कि राज्य प्रमुख संघों के संघ हैं, अन्य संघों में सामंजस्य स्थापित करता है। कॉल के अनुसार समाज को उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच बढ़ चढ़ना चाहिए। लिंडसे का विचार है कि राज्य संघों का संघ है, वह अन्य संघों पर उसी हद तक नियंत्रण करने का अधिकारी है जिस हद तक नागरिक उसे अनुमति देते हैं। लास्की ऐसे व्यवस्था के पक्ष में था जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संघों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता हो। राज्य ऐसा संघ हो जो इन विभिन्न संघों में सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता हो। कानून के दृष्टिकोण से, यानी कानून के दृष्टिकोण से बहुलवादी ने तीसरा प्रहार कानून के दृष्टिकोण से किया। संप्रभुता ने एकत्ववादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की ही कानूनों का स्रोत है। राज्य ही की सहमति से ही कोई कानून वैध हो सकता है। राज्य द्वारा निर्मित कानून सर्वोपरि है। लेकिन बहुलवादी का कहना है कि राज्य ना तो कानून का स्रोत है, ना उसकी शक्ति के चलते लोग कानून का पालन करते हैं। वस्तुतः तो कानून राज्य से स्वतंत्र ऊपर व्यापक होता है। कोकर, डुग्वी, क्रेप, हॉलैंड आदि लेखकों ने कानून और राज्य का इसी दृष्टिकोण से संबंध निश्चित किया। इसके अनुसार कानून सामाजिक जीवन की परिस्थितियों के सूचक है, इसलिए मान्य नहीं होते कि उन्हें एक निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति बनाता है, बल्कि इसलिए मान्य होते हैं कि उन्होंने जीवन की कुछ नितांत आवश्यकताएं उनमें व्यक्त होती है। कानून राज्य की सत्ता और सीमा बांधता है, उससे सापेक्ष बताता है। राज्य कानून के सापेक्ष नहीं बनाता, अतः राज्य के कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अधिकारों की अपेक्षा उसका काम लोक सेवा है, ना कि प्रभुसत्ता का दमन करना। अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थक दृष्टिकोण, अद्वैतवाद पर बहुलवादियों का अंतिम प्रहार अंतर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से है। संप्रभुता में परंपरागत सिद्धांत के अनुसार राज्य बाह्य रूप से स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी संप्रभुता निरंकुश मर्यादित है। लेकिन बहुलवादियों ने संप्रभुता के बाह्य पक्ष को मिथ्या और काल्पनिक बतलाया है। उनका कहना है कि संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा सीमित है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई शक्ति नहीं है, फिर भी जनमत, प्रचलित रीति रिवाज, जनश्रुतियों आदि के प्रभाव से राज्य उनके उल्लंघन का जल्द दुस्साहस नहीं कर पा सकते। बहुलवादियों के अनुसार प्रत्येक राज्य की पूरी मानवता के हित को ध्यान रखना चाहिए। लास्की जो राज्य की बाह्य संप्रभुता को कट्टर विरोधी है, का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न राज्य का विचार मानव कल्याण के लिए घातक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य को अपने संप्रभुता का आंशिक परित्याग करना ही पड़ता है, जिसके चलते संप्रभुता असीमित, निरंकुश और अविभाज्य नहीं रह सकती। बहुलवादियों की आलोचना
हुई जिसमें आलोचकों द्वारा बहुलवादी कई दृष्टिकोण से आलोचना की गई है। बहुलवादियों का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है, यानी कि आलोचना का सबसे प्रमुख आधार है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का अस्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाए, उन्हें संप्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो समाज में एक कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और बहुलवादी विचारक इस तथ्य से परिचित हैं। बहुलवादी कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। यह समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्य क्षेत्र एक दूसरे से स्वतः पृथक होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिसका कि एक दूसरे के साथ कोई संबंध ना हो। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता ना हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाएगा जिसमें मानवीय प्रगति लगभग असंभव हो जाएगी। सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं। बहुलवादी विचारक धारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का मान लिया गया है। प्रत्येक समाज समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक भारी भूल है। वास्तव में राज्य संस्था के अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। प्रोफेसर गार्डनर के शब्दों में विभिन्न श्रेणी वर्गों को और एक दूसरे के से प्रतियोगिता करने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। उसके परस्पर विरोधी हितों का निपटारा करने और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य एक निर्णायक कार्य करता है। बहुलवादी प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवाद सूत्रों पर आक्रमण करता है। बहुलवादी जिस निरंकुश प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है उसका प्रतिपादन हिगल को छोड़कर राज्य सत्ता के अन्य किसी भी समर्थक द्वारा किया गया है। बोंदो, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन आदि सभी विचारक राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक, नैतिक और व्यवहारिक कुछ ना कुछ नियंत्रण अवश्य ही स्वीकार करते हैं। कोकर के अनुसार इसमें से किसी भी लेखक का यह दावा नहीं था कि प्रभुसत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना, उसकी आलोचना करना अथवा विरोध करना अवश्य में अनैतिक, तर्कहीन और असामाजिक व्यवहारिक है। बहुलवादी अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। बहुलवादी के विरोध एक गंभीर बात यह है कि बहुलवादी विचारधारा अंतर्विरोधों से भरी पड़ी है, यानी कि बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करके उसे अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किंतु जब वे व्यवहार पाते हैं तो ये स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को संप्रभु बनाए बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं होगा। बहुलवादी की यह भ्रांति है कि अन्य समुदायों पर से राज्य का नियंत्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण उपलब्ध होगा। वास्तुतः ऐसी बात नहीं है। जो लोग समुदाय की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य भी आगे बढ़ सकते हैं। मध्य युग में चर्च ने अपने से रखने वाले व्यक्तियों का भीषण दमन किया। ब्रोनो और गेगलियो को अपने ही देशवासियों के हाथों भीषण यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। यानी कि राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता। आलोचकों द्वारा आलोचना की गई कि जैसे आलोचकों द्वारा लिंट्स या बारकर अन्य बहुलवादियों के इस कथन को कटु आलोचना की गई कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है। लिंट्स का विचार है कि राज्य की एकमात्र ऐसा समुदाय जिसकी सदस्यता अनिवार्य, जिसके पास दंड प्रदान करने की शक्ति है। इस प्रकार लिंट से राज्य में उन गुणों को मानता है जो संप्रभुता के लक्षण है, किंतु राज्य के संप्रभु शक्ति का प्रतीक नहीं मानता। बहुलवादी विचारक मिस फॉरेट ने भी लिखा है कि राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य को पूर्णता को अपनाने में नहीं सम्मिलित कर सकता। एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक अव्यावसायिक संघ की न्याय सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। यानी कि बहुलवादी देशभक्ति विरोधी है। प्रभुसत्ता और राज्य के महत्व को कम करने और अपने विचारधारा के में अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जिसे उचित और व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। बहुलवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। यानी बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से की जाती है कि इसमें डिग्री और क्रेब जैसे बहुलवादी दार्शनिक का कानून संबंधी विचार असत्य है। ये दार्शनिक कानून की राजकीय सत्ता से स्वतंत्र, उच्चतर और अधिक प्राचीन मानते हैं, किंतु कानून को राज्य के व्यक्तित्व से उच्च मानना सही नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य का आदेश मात्र होने से कोई नियम कानून के रूप में मान्य नहीं होता, किंतु इसके साथ ये भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज
में चाहे कितना भी मान्य करना हो, राजकीय स्वीकृति के अभाव में उससे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर भी हम कह सकते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य का अंतर्राष्ट्रीय आचार व्यवहार और कानून का आदर करना चाहिए, लेकिन वैधानिक दृष्टि से राज्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। बहुलवाद का महत्व भी है, जैसे कि राजसत्ता के खंडित होने स्वरूप और संघों के महत्व का एक अतिरिक्त चित्र प्रस्तुत करने का भी बहुलवादी दर्शन में सत्य को बहुत उच्च अंश है। गैटिल के शब्दों में बहुलवादी कठोर और सैद्धांतिक वैधानिकताओं वादियों वादिता और आस्टिन के प्रसंगता के सिद्धांत के विरुद्ध एक राष्ट्र सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। बहुलवादी राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है, इन समुदाय को उचित कार्य क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात के प्रति प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, वरन इन समुदायों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद के विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। उचित रूप से बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी, वरन राज्य की कार्य क्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। मिस फालेट ने बहुलवाद के समक्ष गुणों का संबंध में लिखा है कि बहुलवादी वर्तमान में राज्य की स्वच्छता के अधिकार को नष्ट करते हैं, वे संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं और अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में सहायता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं, वे स्थानीय जीवन और को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में भी मैं है। धन्यवाद, इतना ही। अरे साहब बोल दिया, तो मैं तो अच्छा। अबे तावल में सावल बढ़िया करूँ, देख लेती तो क्योंकि लेट हुआ। ओहो।